दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि जियो फोन 3 का मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा कमेंट आए कि मेरा रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया जो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये बस सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो यह वीडियो अपने उस दोस्त के पास भेजिए जो थोड़ा स्मार्ट हो, जो मोबाइल के बारे में जानता जानता हो और वो फ़ोन का रजिस्ट्रेशन करता हो, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कर देगा और एक अपने लिए रजिस्ट्रेशन कर देगा। मतलब उससे आप बोलिए दो रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपको जियो फोन 3 की रजिस्ट्रेशन करनी है तो इस वीडियो को किसी भी हालत में अंत तक देखिए। दोस्तों जियो फोन का स्टॉक मुंबई के स्टोर में सबसे पहले आया था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई जियो फोन 3 को लेने के लिए, जहाँ पर मारपीट होने के बाद जियो फोन के ओनर ने प्लान बनाया है कि जियो फोन को फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप जियो फोन 3 को बहुत ही जल्द अपने हाथ में ले पाएंगे और किस तरीके से आप जियो फोन 3 को बाय कर सकते हैं, जियो फोन बाय करने के लिए कितनी कीमत आपको चुकता करना पड़ेगा या फिर जियो फोन 3 की क्या प्राइस होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको देंगे। दोस्तों कई दिनों से हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जियो फोन 3 को कैसे बाय कर। दोस्तों आपको मैं यह बता देना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है कि जियो फोन 3 आपसे दूर नहीं। तो दोस्तों लेने से पहले मैं जियो फोन 3 की कुछ स्पेसिफिकेशन आपके सामने रखता हूँ। जियो फोन 3 की सबसे बड़ी क्वालिटी यहाँ पर निकल के आ रही है जियो फोन 3 की सुंदरता। वो सुंदरता मिल रही है जियो फोन 3 के आगे और पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, जिससे फ़ोन को काफ़ी सुंदर लुक मिल रही है और एक फ़ोन काफ़ी प्रोफेशनल एहसास दिला रहा है। दोस्तों उसके बाद बात करें जियो फोन 3 के बारे में, तो दोस्तों जियो फोन 3 की जो डिस्प्ले होने वाली है 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले होने वाली है। और इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी क्वालिटी कैमरा के बारे में। तो दोस्तों 1,099 रुपये केवल जियो फोन की प्राइस होने वाली है, जो इस कीमत की जो दुनिया की सबसे पहली फ़ोन होने वाली है जो इतने कम प्राइस में इतनी स्पेसिफिकेशन दे सके। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 45 MP वाला DSLR कैमरा देखने को मिलेगा जियो फोन 3 में, और उसके साथ ही साथ एंड्रॉयड 9 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जियो फोन 3 लेने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप जियो फोन 3 को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुंबई में हुए मारपीट के बाद जियो फोन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया, और वहां से उन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी वो होगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक को ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप जियो फोन 3 की सारी डिटेल्स सारी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं और सारी प्राइस भी उसका देख सकते हैं। उसके बाद आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद से आपको कुछ दिन बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर करने के लिए। ऑर्डर के समय आपको 1,099 रुपये पैड करने पड़ेगा जियो फोन 3 को पाने के लिए। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जियो फोन 3 आने में थोड़ी देरी लग सकती है, क्योंकि स्टॉक बहुत कम है और जियो फोन 3 लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं कि जियो फोन 3 की प्राइस इतनी कम क्यों रखी गई है। दोस्तों इसलिए इसकी प्राइस कम रखी गई है कि जिस तरह जियो सिम पूरे भारत में एक अच्छी नेटवर्क के साथ चल रहा है, उसी तरह मुकेश अंबानी जी ने प्लान बनाया है कि हमारा डिवाइस जियो फोन 3 पूरे भारत में सबके हाथ में होने चाहिए। तो दोस्तों ये प्लान के साथ जियो फोन 3 आपको केवल 1,099 रुपये में मिलने वाली है 45 MP DSLR कैमरा के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे जियो फोन 3 की क्वालिटी के बारे में, या फिर अनबॉक्सिंग के बारे में, या फिर बुकिंग के बारे में कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।